Let's call it in the crossfire. Hey guys, what is up? Welcome to the channel India Sonic. आज एक नई वीडियो लाया हूँ टाटा की हेक्सा पर। ये टाटा की रफ एंड टफ एमपीवी है जो कि एसयूवीज के जैसे बॉडी ऑन फ्रेम शैसी के साथ आती है। लुक्स की बात करें तो ये बहुत मस्कुलर दिखती है अपनी बोल्ड लाइंस और डिज़ाइन की वजह से। इसमें इंजन भी पावरफुल वेरिकोर 400 आता है जिसमें 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और इन सब के साथ टाटा की बिल्ड क्वालिटी जोड़ दें तो ये एक परफेक्ट फैमिली कार बन जाती है। अब फैमिली कार होने के बावजूद ये किसी भी टेरेन और थोड़ी बहुत ट्रिकी सिचुएशन से भी बड़ी आसानी से निकलने की क्षमता रखती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 200 मिलीमीटर है जो कि टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा से भी ज़्यादा है। ये महिंद्रा 500 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और महिंद्रा मराजो से डायरेक्ट कंपैरिजन करती है, पर इन तीनों से ज़्यादा कैपेबल है ऑफ रोडिंग के मामले में, जैसे कि आज हम देखने वाले हैं। पहली क्लिप है जिसमें एक लोडेड लॉरी कीचड़ में फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। तब उसे हेक्सा से बांध दिया जाता है और हेक्सा अपनी पावर से उसे बाहर पुल करती है। से हैरान कर देने वाला वीडियो है जिसमें हेक्सा एक एरोप्लेन को पुल करती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये प्लेन है बोइंग 737-800 और इसका वेट है तकरीबन 45 टन यानी कि 41,000 किलोग्राम। और इससे आप देखेंगे कि टाटा हेक्सा बड़े आराम से पुल कर जाती है। प्लेन के दोनों साइड्स टाटा हेक्सा के नाम से ब्रांडिंग भी की गई है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो। गाड़ी प्लेन को 50 मीटर की दूरी तक ले जाती है बिना किसी परेशानी के। अब गाड़ी की वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी पर नजर डालते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, गाड़ी का बोनेट बिल्कुल पानी के नीचे है, फिर भी हेक्सा बड़ी आसानी से पार कर लेती है। इस क्लिप में स्कॉर्पियो एक गड्ढे में फंस जाती है और हेक्सा उसे इतना इजीली रेस्क्यू कर लेती है जैसे लगता ही नहीं कि गाड़ी अटक गई हो। अब देखते हैं गाड़ी डायगोनल रट्स कैसे पार करती है। गड्ढे बहुत डीप हैं और पानी से भरे हुए हैं जिससे ट्रैक्शन और भी कम हो जाता है, पर हेक्सा में 4x4 ड्राइव होने की वजह से जो टायर ज़मीन पर टिके हुए हैं उनकी मदद से ही गाड़ी आसानी से बाहर निकल जाती है। स्नो में भी ये गाड़ी बढ़िया तरीके से चलती है। देख सकते हैं बिना स्पीड कम किए हेक्सा चीरती जाती है थोड़ी सी गहरी स्नो को। अब ऑफ रोड ऑब्स्टेकल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, 4x4 होने की वजह से गाड़ी का टायर हवा में भी चला जाता है पर उसे कोई दिक्कत नहीं होती चलने में। यहाँ आप देख सकते हैं इतना ऊंचा वर्टिकल क्लाइम कैसे चढ़ जाती है गाड़ी बिना रुकावट। अब यहाँ हेक्सा टोयोटा इनोवा को रेस्क्यू करती है जो कि इस पत्थर की वजह से फंस गई है।
स्कॉर्पियो के जैसे इनोवा को भी बड़ी आसानी से खींच लेती है। ये स्टंट तो एकदम गजब का है। हेक्सा इतनी भारी और लंबी है, फिर भी यहाँ उसे एक ही साइड के दो व्हील्स पर चलाया जा रहा है, वो भी एक सर्कल में। ड्राइवर बड़े आराम से टर्न ले लेता है गाड़ी की बढ़िया स्टेबिलिटी की मदद से।